तो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू अवर चैनल द इलिटरेट। आज की हमारी वीडियो होने वाली है जम्मू यूनिवर्सिटी के एक न्यू नोटिफिकेशन के ऊपर। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जम्मू यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेनी है तो आपको CUET एग्जाम देना पड़ेगा। जैसे कि आप सबको पता ही है कि जैसे पहले एडमिशन क्राइटेरिया होता था जो 12th बेस्ड मेरिट पे, उस पर आपको कोई भी डिग्री कॉलेज हो, जैसे जो भी GDC थे, सारे GDC में आपको जो मेरिट बेस्ड पे एडमिशन मिल जाती थी। आपसे वैसा नहीं होगा, और आपसे जो जिस किसी भी डिग्री कॉलेज में अगर आपको जो यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं उसमें अगर आपको किसी भी कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेनी है तो आपको एक एंट्रेंस देना पड़ेगा, CUET एंट्रेंस टेस्ट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट था जो UG और PG दोनों के लिए देना पड़ेगा। CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो NTA कंडक्ट कराता है उसकी रजिस्ट्रेशन डेट ऑलरेडी निकल चुकी है, जो कि 9th फरवरी से चल रही है, और अब रजिस्ट्रेशन डेट उनकी एक्सटेंड हो गई है 30 मार्च तक। तो आपको वह फॉर्म भरना पड़ेगा और उस पर आपको डिफरेंट सब्जेक्ट, जिस किसी भी सब्जेक्ट में आप एडमिशन लेना चाहते हो आप वहाँ पे अपना सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, और वहाँ पे जो भी आप सब्जेक्ट चूज करोगे उसके बाद आपका CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम टेस्ट होगा, और आपको वो एग्जाम पास करना पड़ेगा। उसी पे बेसिस पे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हो, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वगैरह, टॉप कॉलेज, टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया में भी आप एडमिशन ले सकते हो उसके बेसिस पे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में ऑलरेडी उसी के बेसिस पे एडमिशन हो रही थी, अब से जम्मू यूनिवर्सिटी में भी उसी के बेसिस पे एडमिशन होगी। CUET के बारे में हम फुल इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाए आएंगे, सो हम इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि CUET के बारे में फुल क्या प्रोसेस रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, एप्लीकेशन फॉर्म और हर चीज़ उसके बारे में बताएंगे। सो आप बने रहिए हमारे चैनल पे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी दबा सकते हैं ताकि जो नई वीडियो आए आपको अच्छे से उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो हम बात करते हैं इस एप्लीकेशन, जो ये नोटिफिकेशन आया है इसके ऊपर। आपको CUET एग्जाम के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा NTA की एप्लीकेशन, जो उसकी वेबसाइट है उसके ऊपर, या तो आप NTA.NIC पे भी जा सकते हो, या जो भी CUET की वेबसाइट अपनी है उस पर भी जाके आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। और उसके लिए आपकी फ़ीस होगी अगर आप अप टू 3 सब्जेक्ट के लिए फिल कर रहे हो, जनरल की होगी 750, EWS की होगी 700, SC ST की होगी 650, आउटसाइड ऑफ सेंटर ऑफ इंडिया के लिए अगर आप भरोगे तो आपकी होगी 3750, और अगर आप 7 सब्जेक्ट के लिए फिल कर रहे हो अप टू 7 सब्जेक्ट, जनरल की होगी 1500, OBC EWS की होगी 1400, ST SC की 1300, आउटसाइड ऑफ इंडिया 7500। नंबर ऑफ सब्जेक्ट अगर 10 है तो फिर होगी जनरल 1750, OBC EWS की होगी 1650, ST SC की 1550, आउटसाइड ऑफ इंडिया होगी 11000। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका जो एग्जाम है उसमें आपको जो भी करेक्शन इन पार्टिकुलर होगी वो उसके 15 दिन बाद तक, 2-3 दिन के बाद तक होती रहेगी, और उसके बाद जो भी आपका एग्जामिनेशन ऑफ सिटी का जो सेंटर होगा वो आपको मिल जाएगा 30 अप्रैल को, और उसके बाद आपको 2nd वीक ऑफ मई तक आपको जो एडमिट कार्ड है उसको आप डाउनलोड कर पाएंगे, और एग्जाम की डेट होगी 21 मई टू 31 मई, और 1 जून से 7 जून तक होगी, और उसके बाद जो रिजल्ट होगा वो आपका आ जाएगा NTA या CUET.smart.ac की वेबसाइट पे। उसके बाद जो भी आपके मार्क्स होंगे, इसका कट ऑफ बहुत ही लो जाता है, जो भी आपके मार्क्स होंगे उसके बेसिस पे ही आपको एडमिशन मिलेगी जम्मू यूनिवर्सिटी के अंडर जो भी कॉलेजेस आते हैं। सो अगर आप किसी भी कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, अगर आप अभी 12th या CBSE या JK बोर्ड किसी के अंडर भी आप कर रहे हो 12th हायर सेकेंडरी एजुकेशन, तो आपको अभी से फॉर्म भर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये नहीं भरोगे तो आपको एडमिशन मेरिट बेस्ड पे नहीं मिलने वाली है। तो ऐसे आपका कुछ बच्चों का 1 साल भी वेस्ट हो सकता है। तो ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेशन, होप करता हूँ आपको पसंद आई होगी, आपको आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ये थी हमारी आज की वीडियो, इसमें होप करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम अच्छे से रिप्लाई देंगे। आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम रिप्लाई कर देंगे, और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी हमसे पूछ सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक तो करना ही है। थैंक यू।